नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑन द रोड में आप सभी का स्वागत है। और न्यूज़ ऑन द रोड आज आप पहुंचा है ग्राम सभा करंजही के घाट पर। जब इस घाट पर लगभग 12 से 13 गांव नदी के उस पार आते हैं और उस पार से इस पार जाते हैं, और जो यहां पे नदी में जो नाव चलाते हैं वो यहीं इसी के घाट के किनारे रहते हैं। लेकिन उनकी आप झोपड़ी देखेंगे, उनके खाने पीने का तरीका देखेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे एक नल की भी व्यवस्था नहीं दी गई है सरकार के द्वारा। और जो हमारे नेता जो होते हैं वो मछुआरों के लिए, मत्स्य विभाग के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं। केवल ये लोग क्या बोलते हैं, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का बात करेंगे लेकिन उनसे मिलने नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं कि इन गरीब की ये झोपड़ी है, झोपड़ी में ना लाइट है, ना नल है, ना एक फोन है इनके पास कि ये अपने घर परिवार के लोगों से बात कर सकें। और यहाँ पे इनका कोई भी देखने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे बाढ़ भी आती है तो भी ये लोग यहीं रहते हैं, कहीं इधर उधर जाने की भी व्यवस्था नहीं रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से नदी है, नदी यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 से 11 मीटर की दूरी पे है। जब ये नदी भर जाती है तो सोचिए ये लोग कहाँ रहते होंगे, इनका दूसरा कहाँ घर होगा, उसी के बारे में जानेंगे इनसे ही। बने रहिए हमारे साथ। दादी का नाम है तुम्हार? सुरसती। सुरसती नाम है। ये बताओ कहिया बाड़ू तू यहाँ? 30 बरस से ऊपर हो गया। ये बताओ नाई कहिया चलत रहले हैं? साल भर से टूट गए नैया, ना पनिया बढ़िया इधर खड़े का तो वही बाना ना नैया डाड़ी ही चल रहा है। अब हमार नया घर वाले डाड़ी पर गए सब पटरी पटरा कांका जी सब कनका अपने अपने मान थाले ना को नैया वही बना थे। पुलिस के मरे पर पटरा ढेर रहा वो सबको लूट के था। और ये बताओ कि जब नाई वही बने ला तो कुछ सरकारी रुपया मिलेला कि कैसे अपने लोग लगा दो? अपने लग से बना ला, सरकारी नहीं मिला ला बाबू का। हां आवास ओवास मिलल बात हो रे? नहीं कुछ नहीं। हां आ लाइट? लाइटियो कहां बा? ये तो देखा वही लाइट आ भाई बाबू वही तन देखा दे बाबू वही बताई वही दिखाइए कैमरा में। ये सो लाल का कपड़ा पर बा, आप देख सकते हैं ना यहां पे लाइट है, वो सौर ऊर्जा है छोटा सा, उसी के द्वारा ये लोग अपना चार्ज करके और बत्ती पानी जलाते हैं और रात में रहते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर आ सकता है, सांप आ सकता है, वो लीलगाय आती हैं और भी तमाम सारे जंगली जानवर हैं। ये दादी बताओ कि कौन जानवर से दिक्कत उक्कत नहीं ना होला? पनिया उनिया कौन पिए लोग? पनिया नदी पिए। तबियत नहीं खराब ना? ठंडी भर गर्मा के बदली गर्मा उतरा नहीं, जब प्यास लगा था तब अब आई ले गर्मा तो का गर्मा ले पानी लिया ले। आई बताओ उठवा उठवा के दे लो? उठवा तो इनहू पुरन को प्रधान के दे ले रानी, उनहू के दे ले रानी, ओ साल जीतल लाना था। हाँ प्रधान लोग नहीं आवला मिले के नहीं आवला? विधायकी का जब वो पड़ेला आ सांसदी कोर्ट पड़ेला तब के दे लो? आज के दुनिया देला ते के हमहु देनी के दुनिया देला? हां पता नहीं, अब ते आईमा गईला नी डारे ओटवा। हां हाथी पे पड़ेला ओटवा कि कमल पे पड़ेला कि साइकिली पे? हम जान कि साइकिली पे कुल दिया ओले रहे, साइकिली पे दिया ओले रहे। हां इसे लवंडा रहा। हां यही कर जाएंगे हम के लिए से गए खाता है दादी है पर दबावा। हां तो हम किस तरह के लिए रहा? हां तो आका कह के ले गए लूट तो के ओ हम गए नहीं, यहां से पैदल गए ली, वहां से ले गए स्कूल वहां पर से। हां ये भैल की दादी के ले जा लोगन, वो तो दर सब मन लेने लगल रहा। हम के पकड़ के ले गए तब के डायरेक्ट कोर्ट का था हम क्यों कोर्ट डायरेक्ट नहीं कहते हैं। हाँ। जेके वोट दिया जाला जानती है अपन अधिकार। हाँ। जेके तू वोट देती है ते तुहार नौकर है का है का है नौकर वो होले जनता नौकर हमें। हाँ। आ जनता का होले राजा होले। हाँ। ठीक है। हाँ। तो नौकरी का चाहिए
राजा के कहना कही, राजा के बात ही मानल, लेकिन यहाँ राजा ऐसा बना की झोपड़ी में रहता है, नल बा न पानी बा कुछ नहीं बा, कुछ नहीं लाइट फाइट कुछ नहीं। अरे सुनी बाबू, एक साल ये ना ऑफिस खुला, दुर्गा जी बहुत ही ढेर तब मन हो रहा ना दिया, सब राकेश बाबू रहना है, जटाई बाबा के सोनू, अरे ढेर लवन देखा जाए कर सब छाए बैठल, तो हमहू कहना चाची तू दाँती पर बैठल लग जाए, बस मूर्ति फेंक के आई हैं, मूर्ति फेंक के ऐसे ही ना यही दे कने तन देखना के नानी चीज पानी ले आवत है, कब ना घबरो ना तो के अगले महीना में पाँच छः बरस बाबू हो गए तो के अगले महीना में कॉल दे आज ले कर हम दे। तो देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर एक नल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ना ग्राम पंचायत की तरफ से, ना विधानसभा की तरफ से, कि यहाँ पे एक नल की व्यवस्था दे दिया जाए कि गरीब अपना पानी तो कम से कम सही पी सके। नदी का पानी पिया जाता है और नदी से यहाँ पे गीडा से जितना भी कचरा होता है, जहाँ और कहीं जो फैक्ट्रियाँ चलती है वो सब नदी में अपना वो कचरा डालती हैं, तो कचरा गंदा पानी आता है वही पी करके रहते हैं। कल को कोई परेशानी हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदारी लेगा, कोई है सुनने वाला? और गरीबों की बात नेताजी लोग कहते हैं कि हम लोग गरीबों वंचितों शोषितों का बात करते हैं, किस गरीब और वंचितों शोषितों का बात करते हैं आप? कि यहाँ पे इतने गरीब हैं जो मर रहे हैं भूख प्यास से, आप देखें खाना दिखाए हम इनका, तो बाबा का खिला बहन तू खाना लौकी सब्जी खिला है, कौन खाना खिला तू बहन रोटी भात दाल, लौकिया में तेल और पड़ा लाल है, तेल बनाई रहा है। अब बताइए इनके और 5 किलो राशन मिलेगा ना मिलेगा? मिलेगा कहाँ से मिलेगा? अच्छा राशन इनको मिलता है, ये बात माना जाएगा कि इनको राशन मिलता है, और कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पेंशन उन्शन नहीं, ना हमारा मिलेगा ना नहीं की मिलेगा, दोनों जन ना मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यही है तस्वीर यहाँ की, बाकी बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताइएगा।